सुप्रीमो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, सीधा आप वहां ले चलते हैं। आज के मौके पर इनके जीवन से जुड़े कुछ स्थानों को स्मारक में संग्रहालय आदि में परिवर्तित करने के नाम पर इनके अनुयायियों को अर्थात दलितों को बीजेपी में लाने की भी हर संभव पूरी पूरी कोशिश की है। इसके साथ साथ इन वर्गों को लुभाने के लिए भी इनके नाम पर इस बार किस्म किस्म की अनेकों हवाई घोषणाएं भी की गई हैं और साथ ही कांग्रेस पार्टी के पैटर्न पर चलकर इस पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने भी दलितों के घरों में जाकर भोजन आदि भी खाना शुरू कर दिया है। लेकिन फिर भी इन वर्गों के प्रति बीजेपी की हीन व जातिवादी मानसिकता ने इन्हें उत्तर प्रदेश का चुनाव होने से पहले ही काफी हद तक निराश करके रख दिया है, अर्थात धराशायी करके रख दिया है। वह इन्हें कहीं का भी नहीं छोड़ा है और इस मामले में खासकर हैदराबाद का दलित छात्र रोहित बेमूला कांड, वे अभी हाल ही में भाजपा शासित गुजरात राज्य में हुए ऊना दलित कांड ने तो अब इनको काफी बुरी तरह से हिलाकर रख दिया है, जिस पर से विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के दलितों का ध्यान हटाने के लिए इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत ही अपनी पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा जानबूझकर बीएसपी की एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में अभद्र, अमर्यादित, शर्मनाक व अति आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करा के उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश के दलितों को भी अपने खिलाफ करने के साथ साथ उन्हें काफी हद तक अब बीएसपी के साथ में लाकर खड़ा कर दिया, जिसको लेकर अब ये लोग काफी ज्यादा परेशान व चिंतित भी हैं। और इस संबंध में अब मैं कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन इससे पहले मैं श्री नरेंद्र मोदी के गुजरात बीजेपी शासित राज्य में अभी हाल ही में हुए ऊना दलित कांड के बारे में वहां के लोगों के मुताबिक ये कहना चाहूंगी कि इस कांड में खासकर बीजेपी व आरएसएस आदि से जुड़े कुछ असामाजिक व दलित विरोधी तत्वों ने पुलिस व प्रशासन के छत्र छाया में गौ रक्षा के नाम पर वे इसकी आड़ में वहां चर्मकारी का कार्य कर रहे कई दलित युवकों को अर्धनग्न करके व फिर उनको भरे बाजार में लाकर उन्हें जिस प्रकार से अमानवीय तरीके से पीटा गया है, बर्बरता वे अमानवीय तरीके से पीटा गया है, वे अति शर्मनाक व अति निंदनीय भी है। जबकि इस घटना को पहले बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अंदर अंदर आपस में मिलकर इसे दबाने की भी पूरी पूरी कोशिश की है, किंतु ये मामला मीडिया व चैनल आदि में उजागर होने की वजह से फिर ये लोग इसे आसानी से दबा नहीं पाए। और इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी द्वारा इस मामले को पहले मीडिया में ले जाने व फिर इसे संसद के शुरू होते ही पहले ही दिन काफी जोरदार तरीके से उठाने के कारण फिर केंद्र व गुजरात में बीजेपी सरकार की और खासकर श्री नरेंद्र मोदी की काफी ज्यादा फजीहत भी हुई है, किरकिरी हुई है। अर्थात बीजेपी अपने इस हुए नुकसान को बिल्कुल भी अब पचा नहीं पा रही है। अर्थात गुजरात में जहां से प्रधानमंत्री खुद आते हैं और जहां बीजेपी की अपनी खुद की सरकार है, तो वहां दलितों के प्रति जिस तरह का घिनौना कार्य शासन में प्रशासन की शह पर और वहां के पुलिस अधिकारियों के सामने खुलकर किया गया है, तो उसका जबरदस्त विरोध मैंने संसद में और संसद के बाहर भी काफी पुरजोर तरीके से किया है। और जिसकी वजह से ही फिर पूरे देश में दलित समाज काफी हद तक एकजुट हुआ है और फिर इन्होंने खुलकर वे सामने आकर तथा निडर होकर अपनी बात रखने का साहस भी किया है, जिसकी वजह से अब पूरे देश में बीजेपी का असली दलित विरोधी चेहरा
सामने आ गया है। इसके साथ ही दुख इस बात का भी है कि श्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के विरोध में अभी तक भी एक लफ्ज नहीं बोला है। हालांकि मैं गुजरात स्टेट में तो उस घटना स्थल पर जाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी व इनके राष्ट्रीय नेताओं ने एक सोची समझी साजिश के तहत ही खासतौर से उत्तर प्रदेश के दलितों का इस अति दुखद घटना से ध्यान हटाने के लिए इन्होंने इनकी आस्था व स्वाभिमान की खास प्रतीक के विरुद्ध यहाँ प्रदेश के अपनी पार्टी के ही एक उपाध्यक्ष दया शंकर सिंह से अति घृणित भाषा का जानबूझकर राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करवाया है, जो इनको अब उल्टा पड़ गया है, जिससे बाहर निकलने के लिए अब बीजेपी व इनके नेताओं ने एक षड्यंत्र के तहत ही बीएसपी व इनके प्रमुख नेताओं की, खासकर महिलाओं के प्रति जो उनकी छवि को धूमिल करने की घिनौनी हरकत की है, वह भी किसी से छिपी नहीं है। और ये सब इन्होंने एक सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत ही किया है। और इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ बीजेपी व इनके नेताओं के उत्तर प्रदेश में सपा के साथ अपने मधुर रिश्तों के चलते वे उनके सहयोग से बीएसपी के खिलाफ जबरदस्ती गलत कार्य करा के अब इनके द्वारा इस प्रकरण की आड़ में बीएसपी का ध्यान यहाँ उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से हटाने के लिए भी एक षड्यंत्र के तहत ही किया जा रहा है। और इस बात का पुख्ता सबूत यह है कि बीजेपी के दबाव में आकर सपा सरकार ने दया शंकर सिंह को दिए गए 36 घंटों से भी ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद भी इनको अभी तक भी गिरफ्तार नहीं किया है। इसके साथ ही बीजेपी की शह पर ही सपा सरकार ने बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ इस प्रकरण में जानबूझकर दया शंकर सिंह की मां की तरफ से जो शिकायत की गई है, तो उसमें मेरे द्वारा दिनांक 20 जुलाई सन 2016 को राज्यसभा में जो बातें कही थी, तो उसमें मैंने उनके हिसाब से कानून का उल्लंघन किया है जो उन्होंने शिकायत किया है, और इसलिए मेरे ऊपर आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करके मुकदमा चला जाए, ये उनकी मां ने शिकायत की है, ये शिकायत की गई है। जबकि इस संबंध में मेरा ये कहना है कि इस देश के हर पुलिस अधिकारी को ये मालूम होना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 105 में ये स्पष्ट प्रावधान है कि हर सांसद को अपनी हर बात को संसद में रखने की पूरी पूरी आजादी है। और इतना ही नहीं, बल्कि संविधान की इसी धारा 105 के अनुच्छेद 2 में ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि संसद में किसी भी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात के संबंध में उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। परंतु फिर भी लखनऊ के हजरतगंज थाने के दबाव में आकर पुलिस द्वारा मेरे विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई, जो कि ये संसद की अवमानना भी है। इससे ये स्पष्ट है कि ये सब बीजेपी की अंदरूनी मिली भगत से ही सपा सरकार ने पुलिस कर्मियों पर जबरन दबाव बना के उनसे ये गैर जरूरी कार्य करवाया है, गलत कार्य करवाया है, जबकि दया शंकर सिंह को अभी तक भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। मेरे साथ साथ हमारी पार्टी के कुछ प्रमुख पदाधिकारियों के खिलाफ भी सपा व बीजेपी के साजिश के तहत ही एक शिकायत और दर्ज करवा दी गई है, जिसके जवाब में अभी हाल ही में मीडिया के जरिए खासकर श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने स्पष्ट तौर से दया शंकर सिंह की मां शिकायतकर्ता को ये कहा है कि उनके बेटे दया शंकर सिंह ने हमारी पार्टी की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में जिस प्रकार की अभद्र व अति आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल एक इंसान नहीं बल्कि एक जानवर ही कर सकता है। इसके साथ ही धरना प्रदर्शन में
दया शंकर सिंह अपनी माँ को, बहन को, बेटी को पेश करो पेश करो आदि जो ये नारे लगाए गए थे, जिसको इन्होंने अपने दूषित मानसिकता के चलते काफी गलत नजरिए से देखकर वे इसे अमर्यादित बताकर मीडिया में भी खूब प्रचारित करवाया है, जिसके जवाब में भी श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मीडिया को ये कहा है कि जिस अशोभनीय वे अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल दया शंकर सिंह ने हमारी पार्टी की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में किया है, क्या इस भाषा को दया शंकर सिंह की माँ, बहन व बेटी इसे सही ठहराएंगे या फिर इसकी कठोर शब्दों में निंदा करेंगे, जिसका जवाब जानने के लिए ही नारे में दया शंकर सिंह से ये कहा गया है कि इनको हमारे सामने पेश करो, ताकि उनसे ये पूछा जा सके कि क्या वो दया शंकर सिंह द्वारा इस्तेमाल किए गए ऐसे घिनौने व अमर्यादित भाषा से सहमत हैं या नहीं। इसके साथ ही इन्होंने अपनी जानकारी के मुताबिक ये भी कहा है, श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ये भी कहा है कि धरना प्रदर्शन के नारों में किसी भी प्रकार के अपशब्दों का इस्तेमाल दया शंकर सिंह की माँ, बहन व बेटी के लिए नहीं किया गया है, क्योंकि हमारी पार्टी व पार्टी के सभी छोटे बड़े नेता व कार्यकर्तागण सभी समाज की माँ, बहन, बेटियों का पूरा पूरा आदर सम्मान व इज्जत भी करते हैं। लेकिन इसके साथ ही जहाँ मैं खास तौर से दया शंकर सिंह की माँ और उसकी पत्नी से सलाह के तौर पर ये भी कहना चाहती हूँ कि ये अच्छा होता कि उन्होंने अपनी पोती वे बेटी के आत्मसम्मान को लेकर जो शिकायत दर्ज कराई है, तो उसके साथ साथ दया शंकर की माँ अपने बेटे वे उसकी पत्नी भी अपने पति के विरुद्ध एक और ये भी शिकायत दर्ज करा देते कि उन्होंने बीएसपी की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ जो अति अमर्यादित वे आपत्तिजनक टिप्पणी की है, वे भाषा बोली है, उसके विरुद्ध भी सख्त धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इनके द्वारा ऐसा किए जाने पर ये अच्छा होता ये लोग ऐसा कर देते और इनके द्वारा ऐसा किए जाने पर यदि ऐसा कर देते और इनके द्वारा ऐसा किए जाने पर फिर इन दोनों महिलाओं को पूरे देश की माताएं व बहनें पूरे सम्मान के साथ इन्हें अपने सर माथे पर बैठा लेती, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। इससे इनकी देश की आम बहन बेटियों के मान सम्मान के प्रति दोगली मानसिकता साफ झलकती है। इसके साथ साथ इससे ये भी साफ जाहिर होता है कि दया शंकर की माँ व उसकी पत्नी द्वारा आजकल उनसे जो कुछ भी कराया जा रहा है वह सब बीजेपी की शह पर केवल दया शंकर सिंह को बचाने व उसके केस को कमजोर करने के खास मकसद से ही किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बीजेपी के लिए भी ये अच्छा होता कि वे भी कल दोषी व्यक्ति दया शंकर सिंह की बेटी के सम्मान के साथ साथ एक दलित की बेटी के भी सम्मान में धरना प्रदर्शन करते तो ये ज्यादा अच्छा होता, लेकिन ऐसा इस पार्टी ने नहीं किया। इससे भी इनकी जातिवादी व दलित विरोधी मानसिकता का साफ पता चलता है। और अब मैं पुनः अपनी इस बात को फिर से यहाँ दोहराना चाहती हूँ कि एक सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत ही दया शंकर सिंह की माँ व उसकी पत्नी का पिछले एक दो दिनों से खासकर मीडिया में जो कुछ भी चल रहा है, उनकी बयानबाजी जो कुछ भी चल रही है, वह केवल बीजेपी के षड्यंत्र के तहत ही दया शंकर सिंह के घोर अपराध के ऊपर से प्रदेश की जनता का ध्यान हटाने के खास उद्देश्य से ही ये सब किया जा रहा है, जिसके लिए अब बीजेपी को उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की महिलाओं में अपनी खराब हुई छवि को ठीक करने के लिए किस्म किस्म के नाटक भी करने पड़ रहे हैं। और ये सब खासकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी या सपा सरकार की मिलीभगत से ही कर रही है। ऐसी स्थिति में अब हमें ये नहीं लगता है कि दया शंकर सिंह के प्रकरण में सपा सरकार
इनको गिरफ्तार करके इनके घृणित कृत्य की कड़ी सजा दे पाएगी, जिसे ध्यान में रखकर ही आज मैंने खासकर उत्तर प्रदेश से जुड़े अपनी पार्टी के लोगों को, जिम्मेवार लोगों को इस मामले में आगे के लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देश देने हेतु तो ही ये विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। और इसके बाद फिर आज ही साढ़े चार बजे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के भी एक जरूरी बैठक बुलाई गई है और इस संबंध में मैं अपनी पार्टी के लोगों को, आप लोगों के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में मैं अपनी पार्टी के लोगों को इस संबंध में विशेष तौर से ये कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के इशारों पर चल रही वर्तमान सपा सरकार के चलते जब दया शंकर सिंह प्रकरण में इनकी हर मामले में मजबूत व ताकतवर बहन एवं बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को उसकी अपनी मान मर्यादा व स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए अभी तक भी न्याय नहीं मिल सकता है, तो फिर यहाँ सर्व समाज में से खासकर हर मामले में गरीब, असहाय व कमजोर आदि वर्गों के लोगों को और खासकर जुल्म जाति के मामले में तो उनकी अपनी बहन बेटियों को भला इस सपा सरकार में कैसे न्याय मिल सकता है।